ओके, वेलकम बैक। और अब बजट और मार्केट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी जुड़े हैं, जिनके पास फंड मैनेजमेंट में करीब 2 दशक का अनुभव है। एएसके हेज सॉल्यूशंस से पहले वैभव एवेंजर्स कैपिटल और एम्बिट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ डीएसपी मेरिल लिंच में भी काम कर चुके हैं। वैभव, गुड आफ्टरनून। क्या मार्केट बजट को लेकर अब थोड़ा सा नर्वस होने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि थोड़ी वॉलेटिलिटी है मार्केट में? क्या ये वापस वही कैपिटल गेन्स के टैक्सेशन को लेकर थोड़ा सा नर्वसनेस या थोड़ा सा डर माने इसको? आई थिंक अनुज, आई थिंक नर्वसनेस थोड़ी जायज है, बिकॉज हमें लगता है कि इस बार का जो बजट रहेगा वो अगले 5 साल के पॉलिसी डायरेक्शन को अच्छी तरह से बताएगा। सो मार्केट का डायरेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मार्केट मूवमेंट, वो काफी कुछ डिपेंड करेगा स्पेशली ये बजट पे। ऑफकोर्स मार्केट के हिसाब से देयर इज ऑलवेज अ डाउट इन टर्म्स ऑफ के कैपिटल गेन्स पे उनका क्या रुख रहेगा, एसटीटी पे क्या रुख रहेगा, खास करके ऑप्शंस पे। और जिस हिसाब से हम डिस्कम्फर्ट देख रहे हैं रेगुलेटर्स की तरफ से ऑन द ऑप्शन साइड, ऑन द ऑप्शन मार्केट, हमें लगता है कि ये सब मेजर्स हम काफी क्लोजली वॉच करेंगे और उसका क्या परिणाम, उनकी क्या सूचना, उनकी क्या अनाउंसमेंट रहेगी और उसका परिणाम क्या हो सकता है, ये बारीकी से देखना पड़ेगा। प्रभाव जी, इनफैक्ट मैं इसी बात पे आ रहा था। अगर ऑप्शंस के मार्केट्स को लेकर कुछ टफ आई थिंक सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, क्योंकि आप ये देखिए ना, इस कारोबार को आप भी पिछले 20 साल से देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, ब्रोकरेजेस परसिस्ट करती ही नहीं है अब, है ना? तो आपका यही जो थे वो मेजर ड्राइविंग फोर्स थी हाउस व्यूज, मतलब जो ब्रोकिंग हाउसेस के स्टॉक्स हैं, CDSL और को आप छोड़ दीजिए, वो तो एक डिपॉजिटरी सर्विसेज वाला कंपनी है, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस पे आपका व्यू क्या होगा उसके बाद, अगर वाकई ऑप्शन सेगमेंट पे डेंट पड़ता है तो? सी, आई थिंक कैपिटल मार्केट्स के जो भी स्टॉक एसोसिएटेड है उन पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है अगर देयर इज सम एडवर्स न्यूज और अनाउंसमेंट्स। बट फ्रॉम अ हेल्थ ऑफ द मार्केट, जितनी अच्छी तरह से पार्टिसिपेशन हो रही है, अपने मार्केट जैसे डेवलप हो चुके हैं और जिस हिसाब से रिस्क मॉनिटरिंग मेजरमेंट लागू किए हुए हैं, हमें लगता है कि इस मार्केट को आई थिंक नॉट फर्दर एनकरेजमेंट बट एटलीस्ट स्टडी रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। वन ऑफ द रीजन इज कि जहाँ बाहर से ग्लोबल इन्वेस्टर्स आते हैं वो कभी ना कभी एक तरीके का हेजिंग मैकेनिज्म हमेशा खोजते रहते हैं और वही मार्केट में ज्यादा उन लोग पार्टिसिपेट करते हैं कि जहां उनको एक थोड़ी हेजिंग मैकेनिज्म मिले। सो रोबस्ट रखना डेरिवेटिव मार्केट को इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट है कि हम उनका जो पार्टिसिपेशन है वो मेजर तरीके से सबको करें। सो एक काफी ट्रिकी बैलेंस रहेगा, बट एज यू राइटली मेंशन, कैपिटल मार्केट्स के कंपनियां जो भी एसोसिएटेड है, एक बार बजट अनाउंसमेंट्स के बाद ही प्रोबेबली हम व्यू ले सकेंगे उसमें। ओके, मीनवाइल मार्केट ग्रीन में आया, निफ्टी एकदम से 24,330 पर, मिड कैप इंडेक्स में अच्छी रैली और बैंक निफ्टी लीड कर रहा है अब इस मूव को। बैंक निफ्टी अब डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आने की कोशिश करता हुआ 130 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये देखिए, डे हाई था करीब 52,400, लेकिन वो ट्रेडेबल नहीं था, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज ये डे हाई है। अच्छा वैभव जी, चलिए बजट की तो बात हो गई, लेकिन एक इमीडिएट ट्रिगर जो उससे पहले है वो है अर्निंग्स, और आज TCS की अर्निंग्स आएंगी। IT पर आपका क्या व्यू बन रहा है, लार्ज कैप IT पर, क्योंकि जिस तरीके से पिछले एक महीने में इंफोसिस भागा है, ऐसा लग रहा है मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ बहुत पॉजिटिव आने वाला है यहाँ से? नहीं, ऑफकोर्स, आई थिंक अनुज, जिस हिसाब से हम सेक्टर को देख रहे हैं, ऑफकोर्स ये नहीं, ऐसा नहीं है कि एक क्वार्टर से इतनी भारी पॉजिटिविटी देगा, लेकिन हमें एक रिकॉग्निशन करना चाहिए कि ये क्वार्टर या नेक्स्ट क्वार्टर में वर्चुअली अर्निंग्स बॉटम आउट हो जाएंगे। और जब हम फ्री कैश फ्लो यील्ड की बात करते हैं तो ये एक ऐसा सेक्टर है एटलीस्ट जिसका फ्री कैश फ्लो यील्ड करंट स्टॉक प्राइसेस के हिसाब से रीजनेबल लगते हैं। सो जब वैल्यूएशंस की बात करें
और बिजनेस बॉटमिंग आउट की बात करते हैं, और यहाँ से अगर रिकवरी की संभावना में अगर कमेंट्री अच्छी देते हैं तो एक अच्छा माहौल बन सकता है, अच्छा सेंटिमेंट बन सकता है ओवरऑल ऑन दी आईटी स्पेस। अभी इस स्पेस में कौन सी कंपनी किस कैसे अर्निंग्स देगी, क्या कमेंट्री देगी, वो तो एक बार आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। बट ऑन एन ओवरऑल सेक्टरल बेसिस हमें लगता है कि ये सेक्टर बॉटम आउट हो चुका है, यहाँ से रिकवरी की काफी गुंजाइश है। अच्छा वैभव जी, कल का जो ऑटो में बड़ा डेवलपमेंट हुआ, मारुति एक मेजर अगर आप देखें उसका बेनिफिशियरी है, और हाइब्रिड गाड़ियों पे, ईवी गाड़ियों पे अगर राज्य सरकारें ऐसा निर्णय लें तो ऑटो में आप लोगों की अप्रोच कल, आई होप, आई थिंक इस पूरे आई थिंक डेवलपमेंट को आपने रीड किया होगा, एज ए इन्वेस्टर आई थिंक इस बदलाव को, इस सोच को राज्य सरकारों की, और अगर और कुछ राज्य सरकारें भी इस तरफ बढ़ती हैं तो किस तरीके से लेना चाहिए, स्पेशली उन कंपनियों के लिए जिनका ईवी एंड स्पेशली जिनका हाइब्रिड पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है। एक एक हमें समझना चाहिए कि ओवरऑल फ्रॉम करंट आईसीई इंजिन्स एक डेफिनेट डायरेक्शन है कि इधर हाइब्रिड या ईवी पे सरकार का झुकाव रहेगा। अगर हमको 2070 तक अगर हमें नेट जीरो करना है तो एक बड़ा पहलू है ये, और एक बड़ा एरिया है जहां हमें इम्प्रूव ऑन अ कॉन्स्टेंट बेसिस करना पड़ेगा। इस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट से सपोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट से सपोर्ट एक एक्सपेक्टेड है, और ये कंटिन्यूड रहेगा गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। हमारा व्यू उससे सीमित नहीं है, हमें लगता है कि ऑन एन ओवरऑल बेसिस पे हर एक कंपनियों को ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्पेशली ऑन द ईवी साइड, ऑन द हाइब्रिड साइड, और ऐसे प्रोडक्ट्स निकालने पड़ेंगे जो, और इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिठाना पड़ेगा जहां से ये सहूलियत मिले कि ये प्रोडक्ट्स को हम अच्छी तरह से इफेक्टिवली यूज कर पाए। सो ऑफ कोर्स केपेक्स ज्यादा रहेगा, एट द सेम टाइम डायरेक्शन भी बहुत ही क्लियर है। और इन बिटवीन अगर हम अलग अलग प्रोडक्ट साइकिल की बात करें तो अलग हर एक यू नो सेगमेंट, जैसे कि पीवी कहें या टू व्हीलर्स कहें या ट्रैक्टर्स कहें या सीवीज कहें, हर एक सेगमेंट अपनी ओन साइकिल पे भी चल रहे हैं। सो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, बट डायरेक्शन फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव हाइब्रिड और ईवी की तरफ ही है। वैभव, गुड आफ्टरनून। मैं कंजम्पशन स्टोरी पर आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि डाबर और मैरिको का हमने वो Q1 का अपडेट देखा और वहां पर उन्होंने कहा है कि रूरल इकोनॉमी में कुछ पिकअप के साइंस देखने को मिले हैं। आज मिसाल के तौर पर ITC देखिए, एक अच्छा खासा रुझान 1.5% ऊपर है। अब पोस्ट इलेक्शन ये बातचीत हो रही थी कि शायद रूरल इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए सोशल स्पेंडिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्या उस बेसिस पर पोजिशनिंग बढ़ाई जा सकती है क्या इन FMCG या फिर टू व्हीलर प्लेस में? आई अंडरस्टैंड आप लोग पहले वो ऑटो की बात कर भी रहे थे, लेकिन स्पेसिफिक टू दिस रूरल इनकम FMCG कंपनियां या फिर टू व्हीलर्स, क्या वहां पर एक्सपोजर बढ़ाने की गुंजाइश है या नहीं अगले 10 दिनों में? ऑफ कोर्स हर्षदा, आई थिंक ये 10 दिनों की बात भी नहीं है। आई थिंक अगर हम देख रहे हैं कि अगर मॉनसून्स अच्छी तरह से, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से है इन टर्म्स ऑफ द रेनफॉल, तो एक और सोइंग पैटर्न भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है, तो हमें लगता है कि फ्रॉम अ डिस्पोजेबल इनकम रूरल इकोनॉमी में थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। एट द सेम टाइम अगर बजट में हम थोड़ा सपोर्ट देखें इन टर्म्स ऑफ द रूरल साइड और इनकम बढ़ाने की बात करें इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर, तो एक ये ऐसा सेक्टर है जो लास्ट 2 साल से एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट वो परफॉर्म नहीं कर पाया है। और इस हिसाब से हमें लगता है कि वैल्यूएशंस रीजनेबल है। अगेन रिकवरी, इट्स वन ऑफ द टेक्स्ट बुक केस के बिजनेस रिकवरी चालू होने में है, मैक्रोस भी सपोर्ट कर रहे हैं और वैल्यूएशंस भी डिसेंट है। सो ये सेक्टर में भी हमें लगता है कि काफी मोमेंटम रहेगा, यू नो एटलीस्ट फ्रॉम मीडियम टर्म परस्पेक्टिव। हाँ, ये सेक्टर्स ऐसे नहीं है कि आपका इट्स नॉट अ हाई बीटा सेक्टर, बट ऑन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस परस्पेक्टिव ये हमें लगता है कि बेहतर रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा एक सवाल मुझे आपसे पूछना है, मार्केट का जो सबसे बड़ा पिलर है प्राइवेट बैंक्स, वहाँ क्या हो रहा है? क्योंकि करीब एक हफ्ते पहले तक एक हमने डिसेंट रैली देखी थी इवन HDFC बैंक में, वो MSCI के फैक्टर को लेकर, लेकिन उसके बाद तो अपडेट ख़राब आया और वहाँ से हमने फिर करेक्शन देखी, ना सिर्फ HDFC बैंक में बल्कि बाकी सारे प्राइवेट बैंक्स को भी ड्रैग किया साथ में उसने। यहाँ पर अब क्या व्यू बन रहा है आपका?
मैं काफी टाइम से ये कह रहा हूं कि हम बैंकिंग में ऐसे 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 पॉइंट पे खड़े हैं जहां थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जैसे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो अभी पीक पे है, क्रेडिट ग्रोथ पीक पे है, और एनपीए साइकिल वन ऑफ द बेस्ट एनपीए साइकिल्स ऑलरेडी इन दी बुक्स है। अगर इन तीनों पैरामीटर्स पे इंक्रीमेंटल बेसिस पे यहाँ से डिटेरियोरेशन ही दिखेगा। सो फ्रॉम अ एनालिस्ट परस्पेक्टिव और एस्टिमेट्स के परस्पेक्टिव से हम देखते हैं तो यहाँ से एस्टिमेट्स ऑन अ रिलेटिव बेसिस आई थिंक यहाँ से सॉफ्टन होने चाहिए। ऑफकोर्स बिटवीन प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काफी वैल्यूएशंस का उतार चढ़ाव हुआ है, जहां पे ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस पीएसयू बैंक 0.5% 0.5 times बुक ब्रॉडली से अभी 1.1 1.2 times है। एट द सेम टाइम प्राइवेट बैंक्स जो अर्लियर 3 times चल रही थी एक करीबन अबाउट 2 times है। सो वो पैरिटी और प्रोबेबली आई वुड से द वैल्यूएशन कंप्रेस हो चुके हैं बोथ प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स में। बट ऑन मैक्रो बेसिस आई थिंक ये सेक्टर में थोड़े हेडविंड्स आ सकते हैं, और जहां रेगुलेटर्स का भी झुकाव इस तरह है कि आप अनकंट्रोल ग्रोथ नहीं कर सकते, आप एलसीआर और एलडीआर को भी काफी क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस हम न्यूट्रल हैं ये सेक्टर पे करंटली, और इंडिविजुअल स्टॉक अपॉर्चुनिटीज ही प्रोबेबली देखेंगे यहाँ पे। अच्छा वैभव जी, रियल स्टेट पे हम सब ने आई थिंक CY23 में पैसा बनते हुए देखा, बहुत अच्छा पैसा, मीन स्टॉक्स पे इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था। रियल स्टेट एंसिलरी में बहुत अच्छे, अगर आप देखें मूव देखें, पॉली कैप को देखिए, एस्टेल को देखिए, ऑल टाइम हाई पे। लेकिन इस बार पहली बार बीते 3 महीने में 4 महीने में वो तेज़ी विजिबल है थर्ड कंपोनेंट पे भी, और दैट इज़ HFCs। गोल्ड फाइनेंस कंपनियाँ पहले ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और वो गोल्ड प्राइसेस उसके लिए एक मेजर ड्राइविंग फोर्स भी है। बट HFCs के हालिया मूव पर आपका टेक, और मूव बाकी है क्या अभी आपके आपका अनुमान क्या कहता है? सी HFC फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म एक्सट्रीमली लॉन्गर टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बहुत ही स्टडी रहेगा। बट अगर हम देखें काफी रैली हो चुके हैं और हम बजट की राह देखेंगे बिकॉज काफी ऑप्टिमिज्म भी बिल्ड है आवास योजना की तरफ से और काफी अदर मेजर्स जो अपेक्षित है कि सरकार उनको थोड़ा पुश करेगी और एन ओवरऑल सेक्टरल बेसिस एज वेल। सो आई थिंक थोड़ा बहुत डिस्काउंटिंग हो चुका है। हम वेट करेंगे बजट में क्या मेजर्स आते हैं और फिर कॉल लेंगे ये पूरे सेक्टर पे। स्पेस जहाँ पर पिछले हफ्ते से अच्छी तेजी बनी है वो ऑयल एंड गैस ONGC का स्टॉक आपने देखा होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज ओके जब भी बाजार लड़खड़ा रहा है वो स्टेप अप कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ऑयल एंड गैस में इस समय के नए ट्रिगर्स क्या रह सकते हैं जो इस रैली को ड्राइव कर रहा है, क्योंकि क्लियरली आप ONGC 304 के लेवल्स पर और हर रोज इसमें 2-2.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। सी हमने देखा बिट्स एंड पीसीज में काफी मेजर्स आ रहे हैं, जैसे कि बात थी एक्साइज ड्यूटी कम करने की फ्रॉम अ गैस परस्पेक्टिव, एलएनजी और पीएनजी के परस्पेक्टिव से, सीएनजी सॉरी। तो हमें लगता है कि ये मेजर्स ऑन एन ओवरऑल बेसिस कंटिन्यूड रहेगी बिकॉज फ्रॉम एन इकोनॉमी परस्पेक्टिव हमें लगता है कि गैस एक ऐसी चीज है जहां सरकार का झुकाव ऑन द पॉजिटिव साइड है, उनको एनकरेज करना है ये पूरे सेक्टर्स को। सो यू विल कंटिन्यू टू सी मेजर्स कमिंग ऑन द सेक्टर। बट एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि काफी म्यूचुअल फंड्स के वहां से काफी नई लॉन्चेस हुई है स्कीम्स की इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी फंड्स एज वेल, और उसी के कारण भी हम देखते हैं कि ये पूरे सेक्टर्स में थोड़ा अच्छा मोमेंटम है। सो प्रोबेबली एक बार ये डिप्लॉयमेंट अगर समझो खत्म होती है तब हम बाद में फ्रेश आउटलुक लेंगे इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स क्या वैल्यूएशन बैठते हैं, और फिर हमारे हिसाब से देखना चाहिए। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे इन सब थैंक टॉपिक्स यू पर बात करने के लिए। चलिए अब कल की तैयारी करेंगे हम।